बीते दो दिन से आसमान में बादल घिरे होने के उपरांत गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी से बागेश्वर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कपकोट के ऊंचाई वाले हिस्सों में इस मौसम का पहला हिमपात होने की भी सूचना है। इधर मौसम विभाग ने आने वाले एक दो दिन में बारिश व हिमपात का अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट के चलते गर्म कपड़ों के बाजार में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। लोग गर्म कपड़ों तथा रजाई गद्दों की खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं। गर्म कपड़ों के व्यापारियों ने भी ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर रखे हैं। अभी तक तो जो है मार्केट थोड़ी जो है कम उठी थी, काम बहुत मंदा था। अब देखो ये आज ठंडे का मौसम हुआ है, इससे जो है ठंड बढ़ी है तो लोग खरीदारी करने आएंगे और आज लोग आ भी रहे हैं। जैसे जैसे ठंडा बढ़ेगा तो उम्मीद है कि काम भी बढ़ेगा। इस साल में जो है थोड़ी रेंज बढ़ाई है हमने, जैसे खिलौनों के दोवर वगैरह जो है, बेडशीट वगैरह जो है, और इसमें फाइबर की रजाइए काफ़ी रेंज बढ़ा रखी है हमने। बाकी काम मद्दा होने के कारण जो है अभी तक माल बहुत कम बिका है। आगे को थोड़ी उम्मीद करते हैं कि जो जो ठंडा बढ़ेगा काम बढ़ेगा। CGN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।